नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएसटीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी हाल ही में इंडोनेशिया के दौरे से लौटे हैं। इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच कई मुद्दों पर अहम करार हुए। भारत और इंडोनेशिया दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हैं। दोनों मुल्क न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक साझेदारी पर भी सहमत हुए। विशेष में आज हम उपराष्ट्रपति के इंडोनेशिया दौरे की अहमियत के अलावा दोनों देशों के संबंधों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आरएसटीवी विशेष भारत इंडोनेशिया संबंध। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का इंडोनेशिया दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हुआ। दोनों मुल्कों के बीच ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में अहम समझौते हुए। इस दौरान भारत और इंडोनेशिया कई साझा मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर राजी हुए। दोनों देशों को उम्मीद है कि भविष्य में द्विपक्षीय रिश्ता नई ऊंचाइयों को छुएगा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति यूसुफ कल्ला की ये मुलाकात दोनों मुल्कों के लिए यादगार रही। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर रजामंद हुए। मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया जलवायु परिवर्तन, सामुद्रिक सुरक्षा और कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर साझा विचार रखते हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत में नवीकरणीय ऊर्जा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में अहम करार हुए। साझे प्रेस बयान में भारत और इंडोनेशिया ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्कों के बीच कई समानता है और आने वाले दिनों में संबंध और मजबूत होंगे। We share similar positions on global and regional issues including climate change and maritime security and freedom of seas in the South China Sea. India and Indonesia today signed a memorandum of understanding on cooperation in new and renewable energy sector and all of you have been witness to it. This cooperation is important as both India and Indonesia have committed themselves to reduce carbon emission by 35% and 29% respectively by the year 2030. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया दुनिया की दो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं, लिहाजा आपसी सहयोग से दुनिया में ये दोनों बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समानता की भी बात कही। No one has interpreted better the true nature of India-Indonesia relations than Rabindranath Tagore, who visited the archipelago in 1927. He movingly opened his famous poem to Java, and I quote, "In a dim, distant, unrecorded age, we had met, thou and I, when my speech became entangled in thine and my life in thy life." Unquote. He spoke about the journey by our ancestors that resulted in the two lands becoming companion souls, citing the tragic divide created by colonialism. He urged a renewal of age-old ties. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के युवा कौशल और सूचना प्रौद्योगिकी को अगर इंडोनेशिया के प्राकृतिक संसाधनों से मिला दें तो आर्थिक तरक्की की नई तस्वीर उभरेगी। There is a considerable potential for expanding trade in areas of automotive components, automobiles, engineering products, information technology, pharmaceuticals, biotechnology and healthcare sectors. Given their strategic significance, infrastructure development and energy, both traditional and renewable, are key areas for enhancing our cooperation. भारत और इंडोनेशिया के बीच फिलहाल 20 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, लेकिन इसमें भारत का शेयर बेहद कम है।
माना यह जा रहा है कि तमाम और एमओयूज और मुद्दों के अलावा इस बार भारत की सबसे ज्यादा कोशिश इस बात पर रही कि किसी तरह से भारत का शेयर बढ़ाया जाए और इसी संदर्भ में तमाम ट्रेड डेलीगेशंस के साथ भारत की तरफ से यहां के प्रेसिडेंट को आमंत्रित किया गया है। गैंगस्टर छोटा राजन की बाली में गिरफ्तारी के बाद दोनों देशों ने प्रत्यर्पण के नियमों पर बातचीत की। रेड कॉर्नर नोटिस की वजह से छोटा राजन को इंडोनेशिया में पुलिस की उच्च स्तरीय टीम ने गिरफ्तार किया था। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देश प्रत्यर्पण के नियमों को आसान बनाने की दिशा में आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। डिस्कशन डिड टेक प्लेस एंड फॉर द एक्सटेंशन ट्रीटी टू गो इनटू इफेक्ट नॉर्मली लेटर्स आर एक्सचेंज्ड, सिंपल लेटर्स आर एक्सचेंज्ड, बट सिंस बोथ साइड्स हैव अग्रीड दैट As far as they are concerned, the extradition treaty is already in force. There is no requirement for exchanging these letters. So therefore, we presume and we act on the basis that the treaty is in force. If required, we will be able to use it. दोनों देश उद्योग के क्षेत्र में भी निजी निवेश बढ़ाने को लेकर बातचीत जारी रखेंगे। अमृता राय, राज्यसभा टीवी। भारत और इंडोनेशिया के बीच आर्थिक संबंध बहुत पुराने हैं, लेकिन इसके बावजूद आंकड़ों के लिहाज से ये बेहतर तस्वीर पेश नहीं करते। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इंडोनेशिया दौरे के चौथे दिन उद्योग जगत के लोगों से बातचीत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की अकूत संभावनाएं हैं, लिहाजा भारत और इंडोनेशिया व्यापारिक रिश्तों को सुधारने के लिए काफी सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं। भारत इस वक्त दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शुमार है। दुनिया के तमाम ताकतवर देश भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा मान रहे हैं और कई आर्थिक मंचों पर भारत की दमदार मौजूदगी ये दिखा रही है कि आने वाले दिन भारत और एशिया के होने वाले हैं। दूसरी ओर इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आसियान देशों के भीतर इंडोनेशिया की मजबूत पकड़ से दुनिया वाकिफ है। भारत और इंडोनेशिया G20 समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों में साझा मौजूदगी रखते हैं, लिहाजा एशिया की आर्थिक शक्ति बनने के लिए दोनों मुल्कों के बीच साझेदारी बढ़ाने की गुंजाइश लगातार बढ़ती जा रही है। इंडोनेशिया दौरे पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी इस बात को मजबूती से सामने रखा। उन्होंने कहा कि बेहतर राजनीतिक संबंध के बावजूद भारत और इंडोनेशिया आर्थिक क्षेत्र में मजबूत साझेदार नहीं बन पाए हैं। India and Indonesia share cordial political relations, but bilateral trade and investment have not realized its full potential. India is the largest buyer of crude palm oil from Indonesia and also imports coal, minerals, rubber, pulp and hydrocarbons in significant quantities. India exports refined petroleum products, maize, commercial vehicles, telecommunication equipment, oil seeds to India. There is a need to balance our bilateral trade as India's imports from Indonesia was $15 billion as against an export of $4 billion in 2014-15. मोहम्मद हामिद अंसारी ने भारतीय उद्योगपतियों के अलावा इंडोनेशिया में काम करने वाले भारतीय मूल के कई उद्यमियों से बातचीत की। भारत इंडोनेशिया बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि व्यापार के स्तर को और ज्यादा बढ़ाने की दरकार है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में दोनों देशों के व्यापार में काफी उछाल देखने को मिला है। इस वक्त भारत से व्यापार करने वाले आसियान देशों में इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर है। साल 2007-08 में भारत और इंडोनेशिया के बीच करीब $7 अरब का व्यापार होता था, जो 2013-14 में बढ़कर $20 अरब हो गया। तेल, खनिज, रबर, कागज, पेट्रोलियम, व्यावसायिक वाहन, दूरसंचार, कपास, स्टील, प्लास्टिक और हाइड्रोकार्बन को लेकर दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं, लेकिन व्यापार के स्तर को भारत और बढ़ाना चाहता है। Trade is actually linked to world pricing and to currencies. In India, there is a huge demand for coal and palm oil, which are our main imports from Indonesia. So Indonesia doesn't need to do any promotion. We just keep buying because it's a demand push, right? At the same time, the demand push in Indonesia has gone down because of shrinkage of their imports. And
increase in their reduction in their current account deficit. Despite this, there is a huge potential for more manufactured exports from India. भारत और इंडोनेशिया ने बीते पांच साल के दौरान व्यापार के क्षेत्र में कई समझौते किए। जनवरी 2011 में दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़े 18 समझौते हुए। अक्टूबर 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इंडोनेशिया दौरे में इन समझौतों को लागू करने के लिए टास्क फोर्स का गठन हुआ। 18 जुलाई 2012 को भारतीय दूतावास ने इंडोनेशिया में इंडिया बिजनेस फोरम की स्थापना की। मोहम्मद हामिद अंसारी ने जकार्ता में फोरम को संबोधित करते हुए मेक इन इंडिया सहित भारत की कई ताजा पहल का जिक्र किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी आर की एरियाज फॉर कोऑपरेशन फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया एंड इंडोनेशिया। दीज सेक्टर्स अलाउ फॉर बोथ आवर कंट्रीज टू कोलैबोरेट एंड बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपर्टीज। Infrastructure stimulation programs launched by Government of India, like the vision to develop 100 smart cities, great infrastructure development in urban and rural areas, and enhance nationwide connectivity through Digital India program, have created a massive opportunity for foreign investors in the partners in the Indian economy. इंडिया बिजनेस फोरम इस पहल से उत्साहित है, लेकिन बीते कई सालों की सुस्त प्रगति से उनके बीच निराशा भी दिख रही है। फोरम का मानना है कि व्यापार के मोर्चे पर दोनों देशों को तेजी दिखानी चाहिए। दिस इज जस्ट फॉर मी इट इज जस्ट अ टिप इन द आइसबर्ग। द पोटेंशियल्स आर ट्रेमेंडस एंड वी शुड बी हैविंग अ न्यू टारगेट एंड वी शुड अल्टीमेटली बी थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ $100 billion इन दिस थिंग एंड दैट इज व्हाट इज पॉसिबल। Because our natural advantages are there. If you come from west to east, where India ends, Indonesia starts. Almost like you can say 40% of the total revenue is coming from outside India. And this was the starting point. Thailand and Indonesia were the starting point and we have been quite successful in this region. ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों देश 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने पर सहमत हुए हैं। इस परियोजना के लिए $120 अरब की दरकार होगी। भले ही इंडोनेशिया में व्यापार को लेकर भारतीय पक्ष को स्थानीय अड़चनों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन द्विपक्षीय बातचीत में ये उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रेड बिजनेस को 5 गुना बढ़ाकर $100 बिलियन कर दिया जाए। कैमरामैन मनोज के साथ अमृता राय, राज्यसभा टीवी के लिए। बरसों से भारत और इंडोनेशिया के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक नीतियों पर दोनों देशों के बीच इतिहास में कई समझौते होते रहे हैं। टूरिज्म के लिहाज से भी दोनों देशों में परस्पर संबंध सालों से बना रहा है। आइए एक नजर डालते हैं भारत और इंडोनेशिया के संबंधों पर। इंडोनेशिया का ये लोक संगीत भारत के साथ बरसों पुराने संबंधों की एक अद्भुत मिसाल है। रामायण और महाभारत की कहानियों पर आधारित ये इंडोनेशिया के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियां हैं। संबंधों का ये सिलसिला यूं तो आजादी से पहले का है, लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ने दोनों देशों के संबंधों की नींव को और मजबूत किया। मार्च अप्रैल 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडोनेशिया की समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में पहले एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में पूरे एशिया के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े नेता एकजुट हुए। ये एशियाई एकता के निर्माण करने की दिशा में पहला प्रयास था, जिसके बाद जनवरी 1949 में इंडोनेशिया सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये आयोजन दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की ऐसी मिसाल बने जिन्हें भविष्य में चलकर अटूट संबंधों की आधारशिला के रूप में जाना गया। 1991 में भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते और मजबूत हुए। 2005 में दोनों देशों के बीच एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद 2011 में दोनों देशों के बीच 16 समझौतों पर हामी भरी गई, जिसमें प्रत्यर्पण संधि, परस्पर कानूनी सहायता संधि, तेल और गैस संबंधी, विज्ञान, तकनीक और सांस्कृतिक संबंधी समझौते शुमार रहे।
पिछले कुछ सालों में दोनों देशों ने अपने समुद्री सहयोग में वृद्धि की है। इंडोनेशिया भारत का समुद्री पड़ोसी है। सुमात्रा द्वीप का सबसे पश्चिमी छोर बंडा असेह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे पूर्वी छोर से मुश्किल से 90 नॉटिकल मील दूरी पर है। दोनों ही देश IOR ARC पर घनिष्ठ सहयोग के लिए कदम उठा रहे हैं और हाल ही में हिंद महासागर से जुड़े मुद्दों पर त्रिपक्षीय ट्रैक द्वितीय का आयोजन किया गया। जहां तक व्यापार और आर्थिक संबंधों का सवाल है, इंडोनेशिया की अवसंरचना विद्युत, कपड़ा, इस्पात, ऑटोमोटिव, खनन, बैंकिंग और FMGC क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों ने काफी निवेश किया है। इंडोनेशिया की कंपनियों ने भी भारत की परियोजनाओं में बराबर निवेश किया है। इंडोनेशिया से कच्चे पाम ऑयल का आयात करने वाला भारत सबसे बड़ा देश है। वहां से कोयला, खनिज, रबड़ और कागज का आयात होता है। भारत परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों, मक्का, वाणिज्यिक वाहनों, दूर संचार के उपकरणों, तिलहनों, पशु आहार, कपास, स्टील के उत्पादों और प्लास्टिक का इंडोनेशिया को निर्यात करता है। इंडोनेशिया में भारतीय मूल के लगभग 1,00,000 इंडोनेशियन हैं, जो ज्यादातर ग्रेटर जकार्ता, मेडान, सुराबाया और बंगडुंग में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए राज्यसभा TV। देशों के साथ भारत ने संबंध बढ़ाने के लिए बीते 2.5 दशक में कई कोशिशें की। NDA सरकार ने पुरानी लुकिस्ट पॉलिसी में कूटनीतिक बदलाव लाते हुए इसे एक्ट ईस्ट नीति में तब्दील कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नीति के तहत हाल में कई विदेश दौरे किए। पूर्वी देशों के साथ रिश्तों को भारत प्राथमिकता दे रहा है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का इंडोनेशिया दौरा भी इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण रहा। भारत की विदेश नीति में आमतौर पर यूरोप और अमेरिका मजबूत साझेदार रहे हैं, पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत के रिश्ते प्रगाढ़ रहे, लेकिन पूर्वी देशों के साथ सांस्कृतिक तालमेल होने के बावजूद रिश्तों की आंच नहीं बढ़ पाई। लिहाजा भारत ने 90 के दशक में विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ा। PV नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट नीति के तहत पूर्वी एशिया के मुल्कों के साथ संबंध बढ़ाने पर जोर दिया। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने लुक ईस्ट नीति के तहत विदेश नीति को नया आयाम दिया। कई मुल्कों के साथ सुस्त रिश्तों में अचानक तेजी आई और न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों में भी नई जान पड़ी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली मौजूदा सरकार ने पूर्वी देशों के महत्व को पहचाना और इन देशों के साथ संबंध में बेहतरी लाने पर काफी जोर दिया है। NDA सरकार ने लुक ईस्ट के बदले एक्ट ईस्ट नीति को अमली जामा पहनाने की बात कही। मोहम्मद हामिद अंसारी ने इंडोनेशिया में भारत की इस नीति के महत्व पर जोर दिया। हाल के वर्षों में भारत ने पूर्वी देशों के साथ जिस तरह से संबंध बहाली पर जोर दिया है, उससे विदेश नीति की नई तस्वीर दुनिया के सामने आई है। इस कड़ी में भारत इंडोनेशिया जैसे पड़ोसी मुल्क से ही नहीं, छोटे बड़े द्वीप राष्ट्रों तक अपनी मजबूत पहुंच बनाना चाहता है। हाल ही में भारत और प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच यानी FIPIC देशों का दूसरा सम्मेलन जयपुर में सम्पन्न हुआ। 14 द्वीप राष्ट्रों वाले FIPIC के साथ भारत राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है। चीन जिस तरह से इन देशों पर लंबे समय से नजर टिकाए है, उस लिहाज से भारत की पहल को महत्वपूर्ण माना गया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कई जानकार विदेश नीति का बेहद मजबूत स्तंभ मानते हैं। जो साउथ चाइना सी की हम बात करते हैं, जिसके पर चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि उसका कंट्रोल होना चाहिए, तो अब इंडोनेशिया और इंडिया साथ मिल गए हैं, तो अब हम लोग कहेंगे कि साहब ये अंतर्राष्ट्रीय वाटर्स हैं, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें सबका हक है। तो इंडोनेशिया बीच में, और अगर इंडिया और भारत के संबंध गहरे हो जाते हैं तो मलेशिया भी बराबर में है, मलेशिया से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, बराबर में सिंगापुर भी है, हांगकांग भी है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक तरीके से ये गुट बन सकता है, जो हम लोग इसको हम चुनौती दे सकते हैं। लुक इस नीति के बाद दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत का संबंध लगातार मजबूत हुआ। आसियान के साथ 1992 से भारत ने मजबूत साझेदारी की।
1995 में भारत और आसियान के बीच समझौता हुआ, लेकिन साल 2002 में भारत आसियान सम्मेलन इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। 2012 में आसियान इंडिया विजन स्टेटमेंट को सभी मुल्कों ने स्वीकृति दी। इंडोनेशिया के साथ संबंध को बेहतर बनाने पर भी इस दौरान काफी जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के ताजा दौरे में दोनों मुल्क भविष्य में भी कई मुद्दों पर समझौता करने पर सहमत हुए हैं। वैभव वर्मा के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इंडोनेशिया में कई मंचों को संबोधित किया। जकार्ता और बाली में उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की संस्कृति से लेकर व्यापार और राजनीति पर अपनी बात रखी। फ्रेंड्स, आवर एप्रिसिएशन ऑफ द पास्ट डिटरमिन्स हाउ वी शेप द फ्यूचर। अ शेयर्ड हेरिटेज नॉट ओनली रिमाइंड्स अस ऑफ आवर पास्ट कल्चरल लिंक्स बट ऑल्सो नर्चर्स आवर प्रेजेंट इंटरैक्शंस and promotes economic linkage between the two countries. The ancient links were forged primarily through people-to-people contacts. And as India and Indonesia open a new chapter in friendship and cooperation, we have another opportunity to foster closer relations between our people with bonds of commerce, education, travel, and cultural exchanges. Our relationship was reinvigorated in the year 2005 when our two countries signed a strategic partnership agreement which provides us with a strong base upon which a towering edifice of friendship can be built. There have been regular political exchanges between India and Indonesia. My visit to Indonesia is another link in the chain to foster deeper and closer political, economic, and people-to-people relations. As two vibrant and growing democracies, we share similar challenges and have similar opportunities for growth. Our shared socio-economic agenda calls for intensive cooperation and consultation for economic development and social empowerment of our people. Our cooperation is for mutual benefit and is guided by the requirements and priorities of the people and the government of Indonesia. Given that majority of our people in both our countries are young, like most of you present here today, and that both India and Indonesia are pluralistic societies which follow democratic systems of governance, I am convinced that our younger people should connect with each other and define a prosperous future, not only for India and Indonesia, but for Asia and the world as a whole. Education, ladies and gentlemen, will be the key to the success of our people in the 21st century in India and Indonesia. In India and Indonesia, we have several world-class institutions and universities. There is a need to have regular exchanges of teachers, scholars, and students between our academics and research institutions. We would be happy to share our expertise in different sectors with the faculty and officials of your university under the spirit of South-South cooperation. We would also be keen to host your faculty for postdoctoral research in India on subjects of mutual interest and benefit. विशेष में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी।